असलम वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स हाउ आर यू होप यू ऑल आर फाइन आज मैं आपको जैसे कि ऑलरेडी कम्यूनिटी में पोस्ट कर चुके थे कि बटरफ्लाइज़ दुबटा डिज़ाइन मैं आपको सिखाऊँगी सो so, मैंने उसके लिए एक नेट का दुबटा लिया है डार्क पर्पल कलर का और साथ में मैंने उसके एक जो कंट्रास्ट किया है बटरफ्लाइज़ के लिए वैंने लाइट पर्पल कलर लिया है फ्रेंड्स हमेशा अपने कलर कॉम्बिनेशन देखा करें क्योंकि अगर आपके कलर कॉम्बिनेशन आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे देन इट विल बी अ डिस्ट्रक्शन आपका ड्रेस कभी भी अच्छा नहीं लगेगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज कलर्स दैट रियली सूट्स यू ये आपके कंट्रास्ट को ये देखें जिस तरह डार्क पर्पल था लाइट पर्पल था और मेरे पास एक शॉकिंग पिंक कलर पड़ा था अब मैं बना के ये सोच के लाई थी कि बटरफ्लाइज मैंने शॉकिंग पिंक बनानी है लेकिन जब मैंने इसे डार्क पर्पल पर रखा तो देखें ये उठ नहीं रहा उस तरह ठीक है इसलिए मैंने लाइट पर्पल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं <coughs> सो so, हमेशा जब भी मैचिंग करने भी जाएँ तो कपड़े को उसके ऊपर रख के देखा करें कि क्या ये इसके साथ सूट करेगा कि नहीं करेगा अब आप देखें तो ये डिसेंट लग रहा है अगर मैं दूसरा यूज़ करती तो बुरा लगता आप देखें आयशा वे जो है वो हमारी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं जो बहुत कमेंट्स करती हैं बहुत अप्रिशिएट करती हैं तो थैंक यू आयशा सो मच इतना हमें अप्रिशिएट करने के लिए तो फ्रेंड्स चले हम अपनी बटरफ्लाइज बनाना शुरू करते हैं पहले तो मैं साइड से इसको नीट कटिंग दे देती हूँ क्योंकि जब कटिंग आएगी तो ये जो एरिया है वो नीट होना चाहिए आप थोड़ा सा मैंने लाइट पर्पल ले लिया है लाइट पर्पल आपको चाहिए होगा तकरीबन वन मीटर ले लीजिएगा ईजिली आपकी बटरफ्लाइज़ बन जाएंगी उसमें ठीक है मैं बटरफ्लाइज़ को थोड़ा बड़ा बना रही हूँ आप चाहे तो छोटी छोटी बटरफ्लाइज़ भी बना सकते हैं और यहाँ आपको मैंने मेजरमेंट दिखा दी थी और मेजरमेंट से आप इतना सा पीस जो है वो काट लें तो ये हाफ मीटर में भी मेरी बन गई हैं क्योंकि मैं दुबट्टा एक्चुअली छोटा बना रही हूँ लाइक टू पॉइंट फाइव मीटर्स वैसे दुबट्टा होता है फुल दुबट्टे की लेंथ हमेशा टू पॉइंट फाइव मीटर जो बहुत बड़ा दुबट्टा होता है ठीक है अगर लेडीज़ हैं तो कोशिश करें कि बड़ा टू पॉइंट फाइव का दुबट्टा लें और अगर आपने कैजुअल दुबट्टे बनाने हैं तो बेशक उसकी लेंथ और वेट आप कम कर लें अब हम इस करते हैं पहले से नीट साइड से कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपने इसको काट लेना है तो फ्रेंड्स uh, ये मैं यहाँ से पहले मेजरमेंट कर लूँगी तकरीबन आप देखें एटीन आपका बन रहा है ठीक है एटीन इसकी वर्थ होनी चाहिए और एटीन इंचेस मैंने काट लिया है अब आपने करना ये है कि आपने इस कपड़े की जो मेजरमेंट uh, करनी है वो इस तरह से करनी है तकरीबन आपने फाइव इंचेस का गैप रख के आपने ब्लॉक्स काट लेने हैं ठीक है थीके? Uh, uh, मैंने विट तो आपको बता दी कि मैंने इतना कपड़ा ले लिया और लेंथ uh, की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह करें में कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है इट्स ओके कभी कभी जो है ना काम करना बहुत मुश्किल होता है आपकी टाइम रूटीन में सो इट्स फाइव इंचेस फ़ाइव इंचेस को बहुत नीट क्लीन सीधी सीधी कटिंग कर लीजिएगा ये फ्रेंड्स हमारे पास हो गया रेडी अच्छा फ्रेंड्स अब हमने तकरीबन ये काट लिया था इस तरह आप इसको स्ट्रेट रख लें विथ इसकी 15 इंचेस है ठीक है 15 इंचेस में आपके तीन ब्लॉक्स बहुत इजीली बन जाएंगे 15 है तो 5 5 का आप एक एक ब्लॉक काट लें इस तरह से हम इसको दोबारा से फाइव करके काट लेते हैं ना फ्रेंड्स अब मैंने ये ब्लॉक्स काट लिए हैं आप इन सबको अलग अलग कर दें ठीक है एक बटरफ्लाई बनाने के लिए मुझे तकरीबन दो जो है ना वो नेट यूज़ करनी पड़ेगी नेट बहुत पतला कपड़ा होता है और इसलिए हम इसको अगर सिंपल प्लेन लगाएंगे तो नीचे आपको जो है ना एक डबल मोस्टली जो फ्रॉक्स वगैरह बनती हैं तो उसमें नेट को डबल यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत पतली होती है तो इसलिए मैं भी इसको बटरफ्लाईज़ बनाने के लिए मैं डबल पीस यूज़ करूँगी दो ब्लॉक्स यूज़ करूँगी अब ये मैंने सारी जो है वो ब्लॉक्स काट ली हैं दो 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 ब्लॉक्स की एक बटरफ्लाई बनेगी ये देखें इस तरह एक होगा और इसके साथ आपने एक और मतलब ये देखें ये दो हैं तो इसकी एक बटरफ्लाई बनेगी ठीक है इस तरह आप बहुत से ब्लॉक्स काट लें और अब आपने इनको रख के और इसको हमने एक बटरफ्लाई शेप देनी है फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये प्रॉपर बटरफ्लाई की शेप नहीं है अभी ये ऐसे बनेगी जैसे बो होती है मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको फिर बटरफ्लाई की लुक कैसे देनी है अब आप इसको बीच से स्टिच कर लेंगे ताकि ये हमारे पास एक लुक आ जाए ना फ्रेंड्स आपकी बो रेडी होगी ये देखिए नीचे से आपने ना इसके परों को थोड़ा नीचे कर देना है तो और ऊपर से ये ऐसे कि डबल थ्री डी इफेक्ट भी आएगा और ये बहुत ही प्यारा भी लगेगा तो मैंने इसको बीच से जो है वो वो स्टिच कर दिया अब हम जो नीचे वाला है जो इसके पर है उनको हमने इस तरह से दरम्यन की तरफ करना है जब आप इसको लगाएंगे ना तो हम इसको एक बटरफ्लाई की लुक दे देंगे जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ इसी तरह फ्रेंड्स आप और भी सारी बटरफ्लाइज बना लें आप कितनी लगाना चाहते हैं अगर तो आप बड़ी बटरफ्लाई बना रहे हैं ठीक है अगर बटरफ्लाई बड़ी है तो आपने बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ लगानी है ठीक है बहुत ज़्यादा करीब करीब मत लगाइएगा आपने उनको जो है दूर दूर करके लगाना है और अगर आपकी बटरफ्लाई छोटी हैं तो आप कम बना लें मैंने तकरीबन जो है वो टेन बनाई है लेकिन टेन में मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी दुबट्टा क्योंकि एक एटीन ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए बना रही हूँ तो मैंने ये तकरीबन जो उसकी वेट्थ और लेंथ है वो कम कर दी है दुबट्टे की ठीक है अच्छा ये आपकी बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है अभी हमने इसमें और भी बहुत सारा काम करना है पहले आप अपनी सारी इस तरह बोस तैयार कर लें ठीक है और आप चाहे तो आप वो भी लगा सकते हैं लेकिन हम आपको बटरफ्लाई थ्री डी इफेक्ट बताएंगे कि आपने किस तरह से अपने दुबटे के ऊपर करना है इसी तरह आप फ्रॉक बनाते हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं अच्छा फ्रेंड्स दुबट्टे के ऊपर अब हम पहले इनको ना सेट कर लेते हैं कि आपने इनको लगाना किस तरह है तकरीबन ट्वेंटी इंचज़ का गैप छोड़ के आपने दो में डिस्टेंस रखना है ठीक है एक बीच में हम दरमियान में रख देंगे ट्वेंटी इंच का गैप करके मैं आगे आपको दिखा देती हूँ अच्छा जब आप दुबट्टा सेट करने लगे होते हैं पैटर्न बनाने याद रखें दुबट्टे को हाफ़ कर लें हाफ करें एक साइड पे लगाएं एक कंप्लीट हो जाए तो सेम वही पैटर्न आप दूसरी साइड पे भी लगाएंगे तो बहुत इजीली आपका जो है ना वो अच्छे से हो जाएगा और अगर आप बहुत न्यू है इस फील्ड में तो कोशिश करें कि पॉइंट आउट कर दिया करें ये देखें मैं इस तरह से रख रही हूँ पहले मैं चेक करूँगी कि क्या ये अच्छा लगेगा अगर लगेगा फिर मैं पॉइंट आउट कर दूँगी और इंची टेप के साथ मैं मेजरमेंट करके लगाऊंगी अब यही पैटर्न आपने दुबट्टे की दूसरी साइड पर भी लगाना होगा ठीक है हाँ फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द नीडल ठीक है नीडल आपने लाइट कलर की या डार्क कलर की यूज़ करते हैं आपकी अपनी मर्जी है बस ऐसा यूज़ कीजिएगा कि पर्पल दुबट्टे के ऊपर कलर जो है वो ज़्यादा विजिबल ना हो अब आपने सारी जो है वो उनको पिंस लगा के आपने उनको इस तरह से अटैच कर लेना है ये देखें और इनकी जो बैक है उनको भी मैं शेप दे दूँगी तो कैसे देनी है इसको शेप आगे हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो देखें जो मैंने मेजरमेंट की थी वो मैंने ट्वेंटी इंचज़ यहाँ गैप रख के की थी और ट्वेंटी इंचज़ मैंने यहाँ गैप रख के की थी ठीक है आप भी इसी तरह कर लीजिएगा ट्वेंटी ट्वेंटी के गैप से पहले हाफ़ दुपट्टा रेडी करें ठीक है और फिर आपने दोबारा से हाफ़ दुपट्टा रेडी करना है नाउ uh, फ्रेंड्स अब ये ऑलमोस्ट हमने सारी पिनअप कर ली हैं ठीक है सुई धागे से हमने लगा दिया अब ये जो ग्लू गन है जो कि आपको फाइव हंड्रेड की मिल जाएगी साथ में इसकी स्टिक्स लेनी पड़ती हैं और आप समझें कि आप ये एक प्लास्टिक की तरह होती है हॉट ग्लू गन होती है जैसे ही आप इसको लगाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो ड्राई हो जाती है और प्लास्टिक की फॉर्म कर देती है इसीलिए आप अक्सर लोग पूछते हैं कि ये उतर जाएंगे या इस तरह होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पहली बात तो ये कि जो इस तरह के दुपट्टे होते हैं उनको ज़्यादा धोया नहीं जाता ठीक है आप उन्हें यूज़ करें और उसके बाद उन्हें तय करके आप उनको रख दें बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना होता रेडीमेड कपड़ों को या उसको क्योंकि इस तरह तो वो ख़राब हो सकते हैं अदरवाइज़ ये गारंटी है मेरी आपको कि ग्लू गन से चिपकी हुई चीज़ कभी भी नहीं उतरती ठीक है अच्छा आप इसके जो नीचे जो पर है ना उनको मैंने थोड़ा अंदर की तरफ बंद किया और ऊपर वालों को खोल के ताकि ये एक बटरफ्लाई की लुक आ जाए अदरवाइज़ आप वो की लुक भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो लेकिन बटरफ्लाई विल लुक मोर गुड क्योंकि ये एक बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन आपके लिए होगा तो आपने ग्लू गन से इसकी फोर साइड्स को जोड़ लेना है दूसरा एक ग्लू गन की बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि ग्लू गन को बहुत ज़्यादा आपने निकाल के यूज़ नहीं करना वरना वो एक प्लास्टिक की चीज़ जो है वो नज़र आने लग जाएगी ठीक है आपने जस्ट एक पॉइंट पॉइंट से मैं लगा रही हूँ वो इतना सख्त जुड़ेगा इसके साथ कि वो कभी भी नहीं उतरेगा आप खींच के उतारना भी चाहेंगे तो वो नहीं उतरेगा सो बिलीव मी फ्रेंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग आपने पीछे एक स्टिक देखी है जो गन के बाहर लगी हुई है ये ही फॉर्म आ जाएगी प्लास्टिक है ये जब गर्म होता है इलेक्ट्रिक है तो ये जब गर्म होगा इसको हम लगा देंगे उसके बाद ये दोबारा इसी स्टिक की फॉर्म में लग जाएगी तो सो निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अब मैंने सारी जो है वो जोड़ देनी है ना फ्रेंड एज़ यू सी के हमने बटरफ्लाइज चिपका ली हैं अब मैंने बीड्स लिए हैं कुछ बड़े वाले बीड्स ठीक है बड़े बीड्स को आपने ऊपर से लगाना शुरू करना है फ़ोर लगाना है ठीक है इस तरह से आप इसको शेप दे देंगे आप चाहे तो ऊपर जो एंटीनाज होते हैं वो भी आप बीड्स के लगा सकते हैं लेकिन मैं प्रेफ़र नहीं किए मैंने तो जिस जिस लड़की ने ये ऑर्डर पे हमसे बनवा रही है तो उसके लिए हम जिसके लिए बना रहे हैं उसने हमें जो सजेशन दिए हम उसके मुताबिक बना रहे हैं तो आप ये देखें ये जो बीड्स हैं ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएंगे आपको इस तरह से फ्रेंड हम इन को ग्लू गन से लगा दें एक बार ये चिपक गया ग्लू गन से इसको उतारना नामुमकिन होता है फिर इम्पॉसिबल है कि ये उतरेगा लेकिन ग्लू गन बहुत ज़्यादा आपने नीचे नहीं लगानी बिल्कुल ज़रा सी लगानी है ताकि जस्ट इतना कि वो चिपक जाए जैसे ही आप इस मोती को ग्लू गन लगा के रखेंगे ये फॉरन प्लास्टिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ठंडी हो जाएगी ग्लू गन और ये बहुत ही पक्का और मज़बूत जुड़ जाएगा उसके साथ और छोटी भी ग्लू गन मिलती है बड़ी ग्लू गन भी मिलती है छोटी ग्लू गन आपको 250 तक मिल जाएगी और बड़ी बड़ी ग्लू गन आपको 500 की मार्केट से मिल जाएगी अब ये देखिए फ्रेंड्स ये डोरी है डोरी आपने तकरीबन थ्री इंचेस काट लेनी है अब इसके हम एंटीनाज बनाने के लिए यूज़ करेंगे इस पर भी आपने ग्लूगन बहुत थोड़ी लगानी है मैं ब्लैक कलर के यूज़ करी हूँ आप चाहे तो आप यही बीड्स एंटीनाज के लिए यूज़ कर सकते हैं अब फ्रेंड्स बात यह है कि पहले मैं थोड़ी सी ग्लूगन पॉइंट्स की फॉर्म में लगाऊंगी क्योंकि अगर ज़्यादा ग्लूगन लग गई तो वो वाइट वाइट सारा नजर आने लग जाएगा और वो बुरा लगेगा आपने एंटीना की शक्ल दे देनी है और उसके बाद आपने ये जो आपके पास डोरी थी उसको अपने ऊपर रख देना है ना फ्रेंड्स एज यू सी के ये आपका जो है वो इस तरह आपने सारी जो है वो एंटीनास लगा देनी है और सारा रेडी करने के बाद आपकी बटरफ्लाई जो है वो थ्री डी रेडी हो जाएगी अब आप ये फ़्रॉक डिज़ाइन पे भी कर सकते हैं ठीक है आप ब्राइडल शॉवर के लिए जो फ्रॉक्स वग़ैरह बनाएं उसके लिए भी कर सकते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही मुनफरद लग रहा है ये आपको कैमरे में जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना उससे कई ज़्यादा खूबसूरत जो है वो रियल में लग रही है अच्छा अब ये जो ग्लू गन है ना अब कुछ में मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा लग गई थी तो वो वाइट वाइट नज़र आने लग गया इसलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ग्लू गन बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करनी है क्योंकि इसका जो है वो आ, नीचे जो है वो नज़र ना आए देखें इस वाली में थोड़ी सी ज़्यादा लग गई तो ये आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि ये फिर उतरती नहीं है हमारा दुपट्टा पूरा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके साथ आप लाइट पर्पल ड्रेस कर सकते हैं इसके साथ आप शॉकिंग पिंक ड्रेस कर सकते हैं पर्पल और शॉकिंग पिंक का बहुत अच्छा कंट्रास्ट है मजेंडा कलर हो सकता है इसके साथ तो बहुत से कंट्रास्ट आप कर सकते हैं होपफुली आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और रिमेंबर कि आपने इसकी पीको ज़रूर करवा लेनी है मैंने अभी पीको नहीं करवाई मैं अभी इसको पीको करवाने के लिए लेके जाऊंगी तो क्योंकि मुझे वीडियो में अपलोड करनी थी इसलिए मैंने आपको पहले ही दिखा दी है तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स अगर आपको ये दुपट्टा अच्छा लगा है आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी प्ले में देखें आपको और भी तरह तरह के जिस तरह के डिज़ाइन आप चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद डैट के आपको जो है वो आ, आगे फ्रॉक डिज़ाइन भी हम साथ साथ ड्रेसेस पूरे पूरे आ, दिखाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो होपफुली कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी